बेटा जी तुम मिस दिस वीडियो एट योर ओन रिस्क, बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके लिए, बिकॉज मुझे पता है सी आपके दिमाग में अब तक जब एग्जाम्स को एक महीना बचा है अब तक बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है, मैम कौन सा सब्जेक्ट पिक करे, मैम कौन सा चैप्टर पिक करे, मैम कौन से चैप्टर को कितना टाइम दे, मैम सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ने का, मैम रूटीन क्या होना चाहिए, मैम पेपर कब सॉल्व करे, बहुत सारा कंफ्यूजन है आपके दिमाग में। ये सब कंफ्यूजन रिजोल्व करने के लिए मैं एक 28-day चैलेंज लेकर आई हूँ, जहां पर मैं आपको रेगुलर बताने वाली हूँ कि आज क्या पढ़ना है बेटा, कल क्या पढ़ना है बेटा, कौन से चैप्टर को इतना टाइम देना है बेटा, पूरा डिटेल चैप्टर वाइज प्लानर मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। ये पूरी सीरीज मैं आज शुरू कर रही हूँ जहां पर पूरा डिटेल्ड गाइडेंस आपको दिया जाएगा फॉर द लास्ट 1 month। अभी फिलहाल इस वीडियो में एक सब्जेक्ट का स्टडी प्लानर बताऊंगी, फिर नेक्स्ट 7 days के बाद दूसरे सब्जेक्ट का स्टडी प्लानर बताऊंगी, ऐसे करते करते आपका एक महीना बीत जाएगा, आपको समझेगा भी नहीं कि आपकी पढ़ाई कैसे हो गई। सो हु ऑल आर विथ मी इन दिस चैलेंज, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैम आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड आई एम रेडी टू फॉलो एवरी सिंगल थिंग यू से, एंड फिर देखना मजा आ जाएगा। इस बार अपन एग्जामिनेशन ना कि सिर्फ क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे, पूरा डिटेल गाइडेंस यहाँ पे दिया जाएगा आपको, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस गाइस टाइम टू टाइम ये प्लानर्स बताने के लिए, टाइम टू टाइम जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो भी आने वाला है, ICAI वेबिनार की समरीज, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टिल द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना। ओके, तो नंबर 1 सब्जेक्ट जिससे अपन अभी बिगिन करने वाले हैं दैट इज अकाउंट्स। कम ऑन, अगर आपको वीडियो पॉज करना है बीच बीच में लिख के लेना है तो यू कैन राइट इट डाउन। आपको नेक्स्ट 7 days के लिए अकाउंट्स पिक करना है, दैट इज फ्रॉम 19th to 25th of May अपन अकाउंट्स करने वाले हैं। मैम कैसे करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक रूटीन बताती हूँ मैं आपको। सी अगर आप स्क्रैच से पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बेटा, 12 to 14 hours से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो रिविजन के लिए इवन 8 to 10 hours आर सफिशियंट फॉर यू। तो अभी कैसे करना है मैम, सी 6 to 9 सुबह पढ़ाई करो, 9 to 9:30 का ब्रेक ले लो, 9:30 to 12:30 की पढ़ाई करो, 12:30 to 1 का ब्रेक ले लो, 1 to 4 की पढ़ाई करो, 4 to 4:30 का ब्रेक ले लो, 4:30 to 7:30 की पढ़ाई, 7:30 to 8 का ब्रेक, एंड देन स्टडी फ्रॉम 8 to 11। मैम इसको फर्दर कैसे डिवाइड करें, सी गाइस अभी 19th को अपन अकाउंट्स बिगिन करने वाले, तो राइट इट डाउन, 19th को अपन करेंगे कंपनी अकाउंट्स फॉर 12 hours प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन फॉर 3 hours, ठीक है, फिर 20th को अपन करेंगे फाइनल अकाउंट्स फॉर 12 hours एंड BRS फॉर 2 to 3 hours, देन 21st को अपन करेंगे NPO फॉर 12 hours एंड इन्वेंट्रीज फॉर 3 hours, 22nd को अपन करेंगे अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स फॉर 12 hours, ये नया चैप्टर है आपके लिए, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2-3 hours, 23rd को अपन करेंगे पार्टनरशिप फॉर 12 hours प्लस अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर 2-3 hours, 24th को अपन करेंगे थेरोटिकल फ्रेमवर्क एंड कुछ मिसलेनियस आपका बच गया तो, एंड 25th को अपन पूरा अकाउंट रिवाइज करेंगे एंड 25th को अपन एक पेपर देने वाले अकाउंट्स का। इस तरीके से मैं आपको टाइम टू टाइम 25th के बाद, 25th को ही मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जहां पे मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पिक करना है और उस सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कौन से चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, ये मैं आपको टाइम टू टाइम हर 7 days में बताती रहूंगी ताकि आपको कुछ ना सोचना पड़े। आपके सामने अभी रूटीन है, आपके सामने सब्जेक्ट है, आपके सामने चैप्टर है। नेक्स्ट सवाल आता है कि मैम कहां से पढ़ाई करें, गाइस सब कुछ छोड़ो, सिर्फ इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट RTP और इंस्टीट्यूट की MTP, सिर्फ इसको करो गाइस, ICAI पेपर सेट कर रहा है, खुद के बुक में से ही सेट करेगा, राइट, तो कीप इट सिंपल, ICAI मटेरियल अपन रेफर करने वाले, तो ये पूरा चैलेंज है आपके लिए। आपके पास मटेरियल है, आपके पास रूटीन है, आपके पास चैप्टर्स है, आपको रिविजन कब करना है, पेपर कब सॉल्व करना है, पूरा मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट है, ये चैलेंज इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बस 3 rules फॉलो करने हैं। नंबर 1 rule इज सोशल मीडिया डिटॉक्स बेटा, आपको यहां वहां IPL देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये बंद करना पड़ेगा। नंबर 2 thing, स्टे अवे फ्रॉम पीपल, मतलब लोगों से बात करना बंद कर दो, तेरी कितनी पढ़ाई हुई, मेरी कितनी पढ़ाई हुई, भूल जाओ सब कुछ। दिस 1 month डेविल मोड ऑन चाहिए, दिस 1 month बीस्ट मोड ऑन चाहिए, अपना जी जान लगा देना, लोगों से बात करके एनर्जी अपनी डाउनग्रेड हो जाती है, तो डोंट टॉक टू एनीबडी। एंड नंबर 3 thing विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टे अवे फ्रॉम योर ओन नेगेटिव थॉट्स, मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दिस, आएंगे बीच बीच में थॉट्स आएंगे, ड्यूरिंग दैट टाइम कीप ऑन पुशिंग योर सेल्फ, यू हैव टू बी योर ओन चीयर लीडर, जस्ट मेक श्योर मुझे खुद को पुश करते रहना है, आपकी सेल्फ टॉक बहुत मैटर करेगी इन दीज लास्ट फ्यू डेज, बस इतना सिंपल है, दैट्स इट। आई गाइस आप देखो मैंने बड़े बड़े चैप्टर्स को आपको 12 आवर्स दिए हैं,
छोटे चैप्टर्स को 2-3 आवर्स, पूरा रूटीन है आपके पास, मटेरियल है, अभी किसी भी कंफ्यूजन की देरी नहीं। मैं आपका ना छोटी सी उंगली पकड़ के आपको पूरा रास्ता तय करवाने वाली हूँ। बस आपको जो भी मैं बोलूंगी उसको शिद्दत से डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पे फॉलो करना है। टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस देने वाली हूँ उस चैनल पे, ठीक है? स्टे ट्यून्ड एंड बहुत जल्द वापस मिलेंगे। इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन में लो, ठीक है? आई विल सी यू सुपर सून। बिलीव इन योर सेल्फ। दिस मी साइनिंग आउट। विश यू ऑल द बेस्ट। टाटा।